बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, जहाँ भी रहे खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह हम सबको ढेर खुशी नसीब करे। मेरे प्यारे बहन भाई, मैं आज की रेसिपी शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के नाम से, जो हम सब पे बहुत बड़ा नहायत रहम वाला है। मैं आज की रेसिपी बना रही हूँ दाल चना और कद्दू। मैंने 1 kg कद्दू लिया है और 1 पाव दाल चना लिया है। अच्छी तरह वाश कर कद्दू को मैंने काट लिया है और दाल को मैंने 2-3 घंटे भगो के रखा है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़ प्लीज़, आपका बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा। दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर देना ताकि न्यू आने वाली रेसिपी जल्द आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने ये आज शामिल कर दिया और लहसुन अदरक का पेस्ट को फ्राई कर रही हूँ। लहसुन अदरक टमाटर प्याज मिर्ची सब चीज़ें फ्राई हो गई हैं। अब मैं मसाले शामिल कर रही हूँ। मेरे ये टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कौरमा मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून धनिया पाउडर जीरा गरम मसाला जमैन मेथी सौंफ, ये सब चीज़ें मैंने शामिल कर दी हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार मसाला तैयार हुआ। मैं ये कद्दू शामिल कर रही हूँ। दाल चने शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरह इनकी बुनाई करूँगी। हो रही है अभी तक हुई नहीं है, ये कद्दू में से पानी निकला है, पानी ड्राई हो जाएगा तो रेसिपी तैयार हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत खुशबू आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये दाल और कद्दू की अच्छी तरह बुनाई हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी आ रही है, बहुत मज़ेदार। मैं 1/2 लीटर पानी शामिल कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह गल जाए। ये पानी मैं नीम गर्म करके शामिल कर रही हूँ, ठंडा नहीं कर रही। पानी शामिल करने से हार्ड हो जाती है दाल, दाल फिर गलती नहीं है। नीम गरम करके पानी शामिल किया,
जाएगी। आज की रेसिपी तैयार हो गई है, दाल चना और कद्दू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही, बहुत मज़ेदार तैयार हुई है। मैं अब डिश आउट कर रही हूँ। मेरे प्यारे बहन भाई, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपका बटन दबाने से कुछ नहीं जाएगा। अपने बहन भाई दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर देना, दुआ में हमें याद रखना। कल की रेसिपी में हाजिर होंगे।